अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो फाइनली आ गए हम लोग मुंबई। एंड हम लोग कहाँ पे गए थे, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चंस था, तो हम लोग जहाँ पे भी गए थे उसकी ब्लॉग अभी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिल जाएगा। दो दिन का ट्रिप था, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे। एंड हमने कौन सी ट्रेन से ट्रैवल किया था, एक्सपीरियंस कैसा था, वो मैं पूरा आपको आगे बताऊँ, तो ब्लॉग को एंड तक देखिए। और हाँ, पूरे मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली, उन सबको मेरी वीडियो शेयर करिए, और अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं सबसे वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी डेफिनेटली करिए। तो यहाँ सुबह सुबह 5 बजे हम लोग निकल गए थे। हमारी जो ट्रेन थी वो 6 बजे की थी। सुबह 5 बजे हम लोग घर से निकले थे। हमने सुबह 5 बजे ओला कर लिया था। ट्रेन जो हमारी थी वो मुंबई सेंट्रल से थी। एंड यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे दी और जीजू का, क्योंकि मैं, बुशरा, दी और जीजू, हम 4 लोग गए थे इस ट्रिप पे। एंड हमारी जो ट्रेन थी दैट वाज वंदे भारत। वंदे भारत का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड सो या एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलना चाहूँगी गाइस, कि कैसा होता है कभी कभी हम लोग टिकट्स बुक करते समय एज वगैरह ऐसे ही रैंडमली डाल देते, ध्यान नहीं देते, तो उसका आप खास ध्यान दीजिए, क्योंकि आईडी प्रूफ ये लोग इंडिविजुअली सबकी चेक करते हैं। कमिंग टू द ब्रेकफास्ट, तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मिलेगा टीका किट। इसमें आपको फ्लेवर वाले भी मिल जाएंगे। मैंने टी बैग वाला लिया था। आपको फ्लेवर वाला चाहिए, आप फ्लेवर वाला भी उनसे मांग सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब यू हैव अ चॉइस, यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैंने टी बैग वाला लिया था। आपको जैसे अच्छा लगे, तो अच्छे से व्यू के साथ टी इन्जॉय करिए। टी इन्जॉय करके आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वन इज़ वेज एंड वन इज़ नॉन वेज। तो अभी जो आपको वीडियो में दिख रहा है दैट इज़ वेज ब्रेकफास्ट। सो बुशरा ने लिया था वेज ब्रेकफास्ट। उसमें आपको मिलता है उपमा, भाजी, पराठा, भाकरवाड़ी एंड फ्रूटी ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको वेज में मिल जाएगी। नॉनवेज में आपको मिलती है 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ये आमलेट। सो नॉनवेज में आपको बहुत कम ऑप्शन मिलता है, लाइक आमलेट ब्रेड मिलेगा, अमूल बटर का एक छोटा पैकेट मिल जाएगा, अगेन भाकरवाड़ी आपको मिलने वाली है, एंड फ्रूटी का पाउच मिलने वाला। सो ये आपको मिलता है नॉनवेज का ब्रेकफास्ट। दे गिव यू अ चॉइस आपके अकॉर्डिंग, आपको जिस मतलब जिससे भी आपको चाहिए, आपकी चॉइस है, आप उस हिसाब से ले सकते हो। एंड वी वर अबाउट टू रीच आर लोकेशन विच वॉज अहमदाबाद। सो येस गाइज, हम लोग अहमदाबाद आए थे एंड दिस इज़ आर रूम फॉर टुडे। सो हमने ये होटल में चेक इन किया था। एंड ये होटल का भी एक्सपीरियंस गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आप लोग अभी रूम टूर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये होटल का। एंड देन ऊपर मसाज चेयर थी, तो हम लोग मसाज लेने के लिए चले गए। देन नीचे आके रेडी होकर हम लोग निकल गए बाहर, जिस काम के लिए एक्चुअली हम लोग आए थे। सो हमने सोचा पहले कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद ही काम करना स्टार्ट करेंगे। सो यस, यहाँ पे हम लोग आ गए थे ये होटल में राधिका, जहाँ पे आप लोगों को डोसा वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो हमने अलग अलग तरीके के डोसे ऑर्डर किए थे। डोसा ऑर्डर करके फिर हम लोग ये आइसक्रीम ब्राउनी खाने के लिए आ गए थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा डिलिशियस होती है, लेकिन थोड़ा संभाल के खाइएगा क्योंकि बहुत गर्म भी रहती है। सो या ये खा के फिर हम लोग निकल गए थे हॉल्स देखने के लिए। तो हॉल की मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट वेव इतनी हो रखी थी कि कुछ भी शूट नहीं हो। वगैरह देखकर फिर हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। लंच ये बार हमने प्लान किया था घी गुड़ का, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने रिव्यू सुना था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आपको वीडियो के थ्रू आगे समझ में आ जाएगा। आप वीडियो पूरी एंड तक देखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोगों को ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फूडी पीपल पूरे एंड तक डेफिनेटली देखिए। और अहमदाबाद अगर आप लोग आ रहे हो तो ये डेफिनेटली ट्राई करिए।
गाइस बीइंग अ राजस्थानी मैंने तो खाना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि पूरा राजस्थानी कजीन पूरा गुजराती कजीन आपको मिल जाएंगे। अचार में ही इन लोगों के पास मोर देन 15 अचार की वेराइटीज़ थी, तो आप लोगों को हर तरीके का अचार में ही इतनी सारी वेराइटीज़ मिल गई। ये वाला जो राइस है दैट इज़ घी गुड़ राइस, घी और गुड़ को राइस में पकाते हैं, दैट इज़ घी गुड़ राइस। एंड बहुत सारे ऑप्शन और भी मिलने वाले आपको, लेट इट बी स्वीट डिश, लेट इट बी स्टार्टर्स एंड मच 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 मोर वेराइटीज़। लाइक बींग अ राजस्थानी मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं राजस्थानी खाना, एंड वो लोग मुझे पूछते भी रहते हैं कि ऐसी कोई होटल बताओ जहाँ पे राजस्थानी खाना मिल जाए। तो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी घी गुड रेस्टोरेंट का नाम है, प्रभात नगर में ही, प्रहलाद नगर में ही है ये रेस्टोरेंट। एंड लाइक राजस्थानी फेमस डिश होती है सेव टमाटर, दाल बाटी चूरमा, तो ये सारी सब फेमस डिशेज़ है, ये आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। गुजराती दाल होती है वो भी काफ़ी फेमस होती है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गट्टे की सब्ज़ी एक राजस्थानी डिश काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे विजिट करके ट्राई कर सकते हो। लाइव काउंटर पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइव काउंटर पे आपको मिल जाएगा जलेबी मिल जाएगी गरम गरम, प्लस इनके पास आपको ढोकले मिल जाएंगे, दही वड़े मिल जाएंगे। लाइव काउंटर पे जो है दिल्ली की चाट हो गई, पानी पूरी हो गई, ये सारे ऑप्शंस भी आपको लाइव काउंटर पे मिल जाएंगे। तो आप लोग डेफिनेटली विजिट करिए, विजिट करके आप लोग खुद ट्राई करिए और रिव्यू मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का खाना। एंड मिस मत करना अहमदाबाद के तो जितने कस्टमर्स हैं, मैं तो बोलूँगी आप लोग आजकल में ही विजिट करके ट्राई कर लो। येस आई वॉन्टेड टू इवन आस्क कितने लोगों ने कॉम्बिनेशन ट्राई किया है गुलाब जामुन विथ वैनिला आइसक्रीम। अगर नहीं ट्राई किया आपने तो डेफिनेटली ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे होटल की तरफ, एंड पूरे दिन हमने सिर्फ रेस्ट किया, रात में खाना बाहर से ऑर्डर किया। जो सेकेंड डे का ब्लॉग है वो